आज के वक्त में फोटो जर्नलिज्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की कहीं पर भी फ़ोटो खींचना रह गया है। आजकल फ़ोटो जर्नलिस्ट करते क्या हैं, एयरपोर्ट्स के बाहर खड़े होते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी आता है फ़ोटो खींच लेते हैं। और अफसोस, लोगों ने सेलिब्रिटीज़ की इतनी डिमांड बढ़ाई है कि ये फ़ोटो खींचने वालों को पैसे मिलते हैं, दूसरों की पर्सनल लाइफ के फ़ोटोज़ खींचने वालों को पैसे मिलते हैं, ये बात समझ के परे है। आजकल फ़ोटो जर्नलिस्ट का जमावड़ा है जयपुर एयरपोर्ट के बाहर, क्योंकि वहाँ पर राज्यसभा सांसद पूर्व मंत्री बिजनेसमैन प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी है। वहाँ पर अंबानीज आएंगे, मित्तल्स आएंगे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आएंगे, भाजपा के बड़े बड़े नेता आएंगे, एनसीपी के बड़े बड़े नेता आएंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता आएंगे, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल बहुत बड़ी हस्ती हैं। ऐसे में वहाँ पर MS धोनी और साक्षी धोनी भी पहुँचे, लेकिन साक्षी धोनी को वहाँ पर पत्रकारों ने परेशान कर दिया। साक्षी धोनी को पत्रकारों ने घेर लिया और वो तस्वीरें नहीं खिंचवाना चाहते थे, इसके बावजूद उनको घेर लिया और ज़बरदस्ती उनके फ़ोटोज़ क्लिक किए गए, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दी और अनकंफर्टेबल भी दिखाई दी। वो तो भला हो कि उनके साथ MS धोनी जेंटलमैन थे और वो चुपचाप अपनी वाइफ को ले गए, अगर विराट कोहली होते तो ऐसे में ना जाने किस तरह का रकस क्रिएट हो जाता वहाँ पर। जाहिर सी बात है, फ़ोटो जर्नलिस्ट को समझना चाहिए कि अगर कोई मना कर रहा है उसे तस्वीर नहीं खिंचवानी तो वो ना खींचे। अभी दो दिन पहले की तो बात है, विराट कोहली उतर के कह रहे थे कि मेरी बच्ची की फ़ोटो मत खींचना, इसके बावजूद विराट कोहली की बेटी की तस्वीरें खींची गई और विराट कोहली की बेटी के चेहरे को लीक भी कर दिया गया। चाहे कोई भी कारण हो, अगर विराट कोहली मना कर रही हैं, अनुष्का शर्मा मना कर रही हैं कि उनको अपनी बेटी की तस्वीर लीक नहीं करनी, तो इस बात का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, किसी के अपने पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, क्या पता उनकी किसी मैगज़ीन से डील हो कि जब हमारी बेटी इतने साल की हो जाएगी सबसे पहला फ़ोटोशूट आप करेंगे, या फिर उन्हें ये हो कि हमारी बेटी जब तक 8-10 साल की नहीं हो जाती हम नहीं चाहते कि हम उसे सोशल मीडिया पर उसके फ़ोटो जाएं। उनकी अपनी चॉइस है और वो अपनी चॉइस रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फ़ोटो जर्नलिस्ट किसी की प्राइवेसी का सम्मान नहीं करते हैं, घुसे घुसे चले जाते हैं कहीं भी बस फ़ोटो खींचने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।